Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today it's our second mixed bag question session for 19 subjects, and this session is targeting every upcoming exam, whether it is NEET PG for year 2023 or INISET for November 2022 or FMG for December 2022. मतलब कहने का ये है कि जो मिक्स्ड बैग सेशन है कुछ इस तरीके से प्लान आउट किया गया है कि ये हर एक एग्जाम को टारगेट कर रहा है ऑलमोस्ट। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे रहा है उसका पैटर्न क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। और हमारा क्या काम क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर हमारे क्वेश्चन करेक्ट कब होंगे, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और कहते हैं ना सक्सेस का एक मूल मंत्र क्या होता है, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मूल मंत्र क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और प्रैक्टिस करते चले जाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं भी है, जो चीज आपको नहीं भी याद हो रही है, वो चीज याद हो जाएगी कैसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन कराएगा आपको, मैं करवा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन, एंड माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड, बी लेड बाय द ड्रीम्स इन योर हार्ट। कहते हैं ना कि आसपास की बातें सुन सुन के हम पक चुके हैं, हम डर रहे हैं। अपने दिमाग में डर को पैदा होने मत दीजिए, बिकॉज फियर इज अ माइंड किलर। फियर, डर का क्या काम होता है, वो दिमाग के अंदर ऐसी चीज को क्या करता था, जनरेट कर देता है, एक नेगेटिव एनर्जी इतने हाई लेवल तक जनरेट हो जाती है कि बंदा दिमाग से बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, उसे डर ही डर लगता है। ठीक है, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमारे दिल के अंदर, हमारी सोल के अंदर हमारा एक एम है, क्या, कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे ये स्पेशलिस्ट बनना है। ठीक है, तो उस एम पे फोकस कीजिए ना, लोग क्या कह रहे हैं, आपका जीटी का स्कोर क्या कह रहा है और आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, उस चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, यू मस्ट से दैट आई मस्ट नॉट फियर फ्रॉम एनीथिंग, यू मस्ट। अगर आपको डर कब नहीं लगेगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर पढ़ते चले जाओ, किसी चीज का डर नहीं। ठीक है, और फिर जब बंदा रेगुलर पढ़ता चला जाएगा, प्रैक्टिस करता चला जाएगा, तो फिर उसकी ड्रीम जो सक्सेसफुल होने के बाद, वो अपना जो ड्रीम उसने सोच रखा कि मुझे ये चीज बननी है, मतलब एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना क्वेश्चंस की, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम में मार्क्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इस सेशन को माय डियर फ्रेंड्स एंड तक देखिएगा, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। आई वांट टू से दैट डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड, दिमाग को, दिमाग के अंदर डर मत भरिए। ठीक है, क्योंकि डर जो होता है माइंड किलर होता है, इट्स इक्वल टू माइंड डेथ। सो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुद में भरोसा रखिए कि यस मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते चले जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाओ, और एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रैडीकार्डिया एल्गोरिथम। अब इनमें से कौन से ड्रग्स हैं जो ब्रैडीकार्डिया एल्गोरिथम में इन्वॉल्व्ड है। So my dear friends, correct answer here will be option number A, atropine, dopamine, epinephrine. ठीक है, तो ब्रेडीकार्डिया एल्गोरिथम, उस मैनेजमेंट में जो हमारा पहला ड्रग होता है जी, उसके बारे में जानते हैं आप, वो क्या है, इनिशियल मैनेजमेंट हम जब करते हैं सिम्टोमेटिक ब्रेडीकार्डिया की, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है एट्रोपिन। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन कहाँ ऑप्शन में है, हर एक ऑप्शन में भाई साहब, हर एक ऑप्शन में एट्रोपिन है। चलो चलते हैं अपन दूसरे लाइन पे, इफ द पेशेंट स्टिल अनस्टेबल द टीसीपी इज इन रिकमेंडेशन। टीसीपी क्या है जी,
ट्रांसक्यूटेनियस पैसिंग। ओके, अगर एट्रोपिन देने के बाद बंदा अनस्टेबल है, पर्सन पेशेंट अनस्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करेंगे। ठीक है, रिकमेंडेड तो यही है, लेकिन बाय चांस टीसीपी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डोपामाइन देंगे और एपिनेफ्रिन। तो डोपामाइन और एपिनेफ्रिन रिकमेंडेड है। अब देखिए डोपामाइन और एपिनेफ्रिन कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए में। सो चॉइस नंबर ए क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद भी अगर बंदा अनस्टेबल है, ओके, तो हम उसमें क्या करेंगे, ट्रांसवेनस पेसिंग। ओके, ट्रांसवेनस पेसिंग, अगर इसके बाद भी पेशेंट क्या है, अनस्टेबल है, तो वहां हो जाएगी ट्रांसवेनस पेसिंग। सो क्वेश्चन नंबर वन क्लियर हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू। हियर वी गो। अ 17 ईयर ओल्ड मेल वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद रिकरेंट अटैक ऑफ इनटू ससेप्शन। इस लाइन को ध्यान से, ड्यूरिंग सर्जरी मल्टीपल पॉलिप्स वर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, वन ऑफ द पॉलिप वाज रिमूव्ड हुज हिस्टोपैथिक पैथोलॉजिकल इमेज इज गिवन बिलो। व्हाट इज पैथोलॉजिकल चेंज शोन इन दिस पेशेंट। ओके, तो यहाँ पर मेन लाइन क्या है, रिकरेंट अटैक ऑफ इनटू ससेप्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी लोकेशन। अब आपको आइडिया लगाना है कि इसका पैथोलॉजिकल चेंज क्या होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। अब वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और ये डिसऑर्डर क्या है, सो लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, इट इज पेयर्ड्स जैगर सिंड्रोम। ओके, ये क्या है, पेयर्ड्स जैगर सिंड्रोम है, और जनरली इस सिंड्रोम में हमार मेटस पोलिप्स सीन होते हैं। ठीक है, हमार मेटस पोलिप्स मोस्ट कॉमनली सीन इन पेयर्ड्स जैगर सिंड्रोम। ओके, इसकी फीचर क्या है जी, अर्बोराइजेशन और सुडो इन्वेजन। ठीक है, दूसरी बात क्या है, पेयर्ड्स जैगर सिंड्रोम जो है ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है एसोसिएटेड विद मल्टीपल पॉलिप इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या ये लाइन क्वेश्चन में थी कि बंदे की जो जो पेशेंट था हमारे पास, उसका लोकेशन क्या थी पॉलिप्स की, वो थी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना जी, और मल्टीपल पॉलिप्स भी थे। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पॉलिप्स इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इसके अंदर जो जीन है वो क्या है, LKB1 और STK11 इन क्रोमोसोम 19। ये म्यूटेशन यहाँ पर सीन होगी, रिकरेंट अटैक ऑफ इनटू ससेप्शन। आई थिंक ये लाइन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में थी कि 17 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उसके अंदर रिकरेंट अटैक दिख रहे हैं किसके, इनटू ससेप्शन की। सो ये सारी फीचर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पायुट्स जैगर सिंड्रोम को, और उसके अंदर क्या होते हैं, हमार मेटस पोलिप्स। सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है जी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पॉलिप। ओके माय डियर फ्रेंड, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर क्वेश्चन नंबर थ्री, अ यंग फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ रीनल कैलकुलस कंप्लेन्स ऑफ बोन पेन एब्डोमिनल क्रैम्प एंड साइकोसिस। ऑन इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल फ्रैक्चर वर डिस्कवर्ड एंड सीरम कैल्शियम एंड पीटीएच वाज रेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। सो यू हैव फोर ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम बी स्कैन। ओके, और ये जो पेशेंट है ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पेशेंट हैज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। और प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है जी, पैराथायरॉइड एडिनोमा सोलिटरी और इंफीरियर। और यहाँ पर एक क्लासिक ग्रुप दिया गया है पेंटार्ड का, ऊपर ये कंडीशन सारी दी गई है। ठीक है, बोन पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प, साइकोसिस, रीनल कैलकुलस, और यही आप नीचे देख लीजिए, इसमें क्लासिक ग्रुप पेंटार्ड में देखिए, किडनी स्टोन ऊपर क्वेश्चन में है, पेनफुल बोन, बोन का पेन भी है, एब्डोमिनल ग्रोइंस ऊपर है, साइकिक मोन्स ये भी गिवन है। ओके, फटीग ओवरटोन। सो ये पांच फीचर जहां देखिएगी, वहां कौन सी कंडीशन होने वाली है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, और ये सब हम स्कैन की ये सब हम डायग्नोस कैसे कर पा रहे हैं, सिस्टम भी स्कैन के यूज से। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर हो चुका है, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर फोर। हियर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट रिलेटेड टू कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। सो हियर यू हैव फोर कॉम्बिनेशन, ओके, एंड यू हैव टू चूज करेक्ट वन। ओके, जो उनका डायग्नोसिस कंफर्म कर दे, और उसमें जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हिरसपंग डिजीज को हम डायग्नोस करते हैं रेक्टल
बायोप्सी से ये कॉम्बिनेशन क्या है पूरा करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल इन रेक्टल बायोप्सी ऑफ हिरसुटम डिजीज। ओके, हम हिरसुटम डिजीज को डायग्नोस कैसे करते हैं, रेक्टल बायोप्सी से। उसमें क्या आता है, जो गैंग्लियन सेल होते हैं उनकी एब्सेंस नजर आती है जी। ठीक है, हिरसुटम डिजीज मैनेजमेंट इज कोलोनोस्टोमी फॉलोड बाय डेफिनेटिव प्रोसीजर स्विनसन डुओमल और सो। ओके, हिरसुटम डिजीज की मैनेजमेंट क्या है जी, कोलोस्टोमी। ओके, जिसको हम डेफिनेटिव प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करते हैं। और कार्सिनोमा जो कोलोन है उसका डायग्नोस हम कैसे करेंगे जी, उसको हम डायग्नोस करेंगे कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी। ओके जी, अगला ऑप्शन है कार्सिनोमा ऑफ ब्रिस्ट। कार्सिनोमा ऑफ ब्रिस्ट में हम डायग्नोसिस कैसे लगाएंगे, बायोप्सी से। अगला ऑप्शन है कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर को डायग्नोस करने के लिए हम यूज करेंगे सिस्टोस्कोप प्लस बायोप्सी। सो चार ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं, चारों का करेक्ट जो मैच है आपको मिल चुका है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कॉम्बिनेशन को करेक्टली चूज कर लेंगे। आई होप आई बिलीव दैट यू विल। ओके, सो खुद के अंदर भरोसा रखिए, ठीक है, और डिपेंडेंट रहना भी है तो खुद पे रहिए, किसी और पर नहीं। ठीक है, आपका रिजल्ट इंप्रूव होता चला जाएगा, प्रैक्टिस करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हैज कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। अभी इनमें चार ऑप्शन है जी, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 पोम्पे डिजीज। पोम्पे डिजीज प्रेजेंट विद मैक्रोग्लोसिया, ऑर्गेनोमिगेली, कार्डियोमायोपैथी, कंडक्शन डिसऑर्डर, मस्कुलर हाइपोटोनिया और फ्लोपी बेबी। मस्कुलर हाइपोटोनिया बोल दो या फिर फ्लोपी बेबी बोल दो, ठीक है। इसने बोला है विच डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हैज कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पोम्पे डिजीज में कार्डियोमायोपैथी, यू कैन सी हियर। ओके, सो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, पोम्पे डिजीज, और यू कैन से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट। Which of the following test is best for differentiating ACTH secreting pituitary tumor from ectopic ACTH production? So my dear friends, here the correct answer will be option number D kya hai ji, high dose dexamethasone suppression test. Okay, iske andar hum generally karte kya hai, on the basis of this test we involve giving 6 hourly dexamethasone 2 mg which leads to etiologic diagnosis. 6 घंटे तक हम क्या देते हैं, dexamethasone 2 mg, और उसमें हमें क्या मिलता है, etiologic diagnosis मिलता है, जिसके बेसिस पर हम क्या कर देते हैं, differentiate कर देते हैं ACTH secreting pituitary tumor को ectopic ACTH production से। My dear friends, question number 6 clear हो चुका है, let's go to question number 7. Which of the following drugs are implicated in causing nephrotoxicity? So here you have four options, cisplatin, cyclophosphamide, cyclosporine, sirolimus. So my dear friends, correct answer will be option number A, 1, 2, 3, cisplatin, cyclophosphamide, cyclosporine are drugs which will lead to nephrotoxicity. But option number D, that is sirolimus, it is non-nephrotoxic. ये क्या है जी, non-nephrotoxic drug है, और it is also first MTOR. What is meaning of MTOR inhibitor? It is a mechanistic target of rapamycin. Okay, MTOR क्या है, mechanistic target of rapamycin, और ये जो sirolimus है ये क्या करता है, inhibit करता है, it is a first MTOR inhibitor. किसका, रापामाइसिन का क्या कर रहा है, इनहिबिशन कर रहा है। ओके, एंड विद लॉन्ग लाइफ ऑफ 62 आवर्स टू बी डेवलप्ड इन सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एज इट इनहिबिट्स सेल प्रोलिफरेशन। ओके, इसका काम क्या है जी, सेल प्रोलिफरेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, लेकिन ये क्या है, नॉन नेफ्रोटॉक्सिक है। ये क्या है जी, नॉन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो चुका है, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। हियर वी गो, अ 58 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन एब्डोमेन, डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स एपिसोड,
दिस इज एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. जोलिंगर एलिंसन सिंड्रोम वॉज डायग्नोस्ड. ओके, द गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट सस्पेक्टेड द अंडरलाइंग कॉज टू बी गैस्ट्रो गैस्ट्रिनोमा विद मेटास्टेसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेटास्टेटिक गैस्ट्रिनोमा. माई डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रियो स्कैन. आंसर क्या है जी इस क्वेश्चन का? ऑस्ट्रियो स्कैन. इन केस ऑफ प्राइमरी गैस्ट्रिनोमा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड शोज 80 to 100% सेंसिटिविटी एंड ऑस्ट्रियो स्कैन शोज 67 to 86%. ओके, प्राइमरी केस होता गैस्ट्रिनोमा का तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होता जी हमारा? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड. बट यहां पर क्या दिया गया है? गैस्ट्रिनोमा शोविंग मेटास्टेसिस. और इस केस में ऑस्ट्रियो स्कैन जो होता है वो 100% डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी शो करता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर बी आप क्लियर हो चुका है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. मैग्नान साइन इज सीन इन. मैग्नान साइन किस में दिखता है जी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको 5 सेकंड में बता देंगे. और माय डियर फ्रेंड्स, वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोकेन. मैग्नान साइन इट इज अ क्लिनिकल साइन इन विच पीपल विद कोकेन एडिक्शन एक्सपीरियंस पैरास्थीसिया विच फील्स लाइक अ कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरेन बॉडी सच एज पाइन और सैंड और पाउडर अंडर द स्किन. ओके, स्किन के अंडर कैसी फीलिंग आती है? ऐसे कि कुछ फॉरेन बॉडी चल रही है, ठीक है, सैंड पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, पाउडर कुछ गिर रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग होता है. आल्सो कॉल्ड एज कोकेन बग. इसको क्या बोल सकते हैं अपन? आल्सो कॉल्ड एज कोकेन बग, कोकेन कीड़ा बोल सकते हैं इसको, ठीक. कोकेन इज एन अल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एराइथो इरिथ्रोजाइलम कोका. इरिथ्रोजाइलम कोका क्या है? ये प्लांट है जहां से किसका डिराइवेशन हो रहा है? कोकेन का. और मैग्नान साइन किसका क्लिनिकल साइन है माय डियर फ्रेंड्स? ये साइन है कोकेन की एडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब बंदा कोकेन लेता है तो उसकी ऐसी फीलिंग आती है और वहां क्या दिखता है? मैग्नान साइन. माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका है. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी गो. एज अ ट्रॉमा पेशेंट इज ब्रॉट टू एन इमरजेंसी देयर इज ब्लड स्प्लीन ऑन द फ्लोर Which disinfectant will you use? My dear friends, जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं सब के सब रिसेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जा चुके हैं पहले और हम इनको क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कस्टम मैंने पिकअप किए हैं और बाकी क्वेश्चन क्या हैं? मतलब मिक्स बैग है ना ये, तो इसमें मिक्सड है सब कुछ. इसमें रिसेंट क्वेश्चन भी है, कुछ मॉड्यूल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, मतलब कस्टम क्वेश्चन बोल सकते हो जब आप, ठीक है. सो एज ए ट्रोमा पेशेंट जब हम लेके आए उसको इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड स्पिल द फ्लोर के ऊपर, हमें क्या करना है? डिसइंफेक्टेंट यूज करना है. वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा जी बी, सोडियम हाइपोक्लोराइट. सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज करेंगे ब्लड स्प्लिट फर्स्ट न्यूट्रलाइज विद हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन. ओके, ब्लड स्प्लिट को साफ करने के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है. अगर लार्ज स्प्लिल है तो 10% हाइपोक्लोराइट यूज करेंगे, स्मॉल स्पिल है तो वी विल वाइप इट विद यूजिंग पेपर विच इज मॉइस्चराइज्ड विद 1% ऑफ हाइपोक्लोराइट, रिपीट टिल द स्टेन इज रिमूव्ड. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जी? सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है जी. माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है. होपफुली आप सब इस सेशन को अब तक एंजॉय कर रहे हो, आगे भी एंजॉय ही करोगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना हमारा पहला मूल मंत्र है. सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? रेगुलर प्रैक्टिस, और वही हम कर रहे हैं. 54-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट ग्रोविन स्वेलिंग लोकेटेड बिलो इंग्विनल लिगामेंट मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कफ इंपल्स वाज प्रेजेंट व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. डायग्नोसिस क्या है जी इसका? इसका करेक्ट डायग्नोसिस है डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया. तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है.
और इसको हम मैनेज कैसे करने वाले हैं, इसको मैनेज हम करेंगे लाइक टेन स्टीन रिपेयर से, लाइक कैन लाइक टेन स्टीन रिपेयर से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स सी लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो एज आई टोल्ड द करेक्ट डायग्नोसिस इज डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, सो गिवन हिस्ट्री सजेस्टिंग अस डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, बिल्कुल सही। अब डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया है, उनकी लोकेशन क्या थी, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कुछ कि वो लोकेटेड कहाँ है, मीडियल टू एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सो अगर जो मीडियल टू एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हर्निया लोकेटेड होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया होगा, या फिर उसको हम अपन बोल देंगे मीडियल इंग्विनल हर्निया। अच्छा जी, वो आ कहाँ से रहे हैं, कम्स डायरेक्टली फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल वाइड ट्राइंगल ऑफ हैसलबैक। ओके, अब मीडियल से जो आ रहे हैं उनको बोल दिया डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। किसके मीडियल आ रहे थे, एपिगेस्ट्रिक के, लेकिन जो अब लैटरल आ रहे हैं, लैटरल टू एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट हर्निया, कम्स वाई डीप रिंग एंड इंग्विनल कैनाल। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर इंग्विनल हर्निया रिपेयर इट इज लाइक टेन स्टीन रिपेयर। अब इंग्विनल हर्निया को रिपेयर करने के लिए हमने मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट हमने क्या यूज करी है, वह है लाइक टेन स्टीन रिपेयर। क्या ये ऑप्शन में था, डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया एंड द ट्रीटमेंट वाज गिवन, रिपेयर वाज गिवन लाइक टेन स्टीन रिपेयर, हो गया जी। बेसिनी रिपेयर इट इज अ टेंशन रिपेयर, ये हम पहले यूज करते थे लेकिन अब यूज नहीं करते बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ रीअकरेंस, बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेंस इट इज नॉट परफॉर्म नाउडेज। बाउंड्रीज ऑफ ट्राइंगल ऑफ हैसलबैक, अच्छा हैसलबैक ट्राइंगल है, वहां से क्या कौन सा हर्निया आ रहा था जी, वहां से आ रहा था डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया जी। अब इसकी बाउंड्रीज क्या है जी, इसकी तीन बाउंड्रीज है वो देख लीजिए, मीडियल लैटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, ओके, लैटरली इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियरली इंग्विनल लिगामेंट। ओके, मीडियली क्या है, लैटरल बॉर्डर है किसका, रेक्टस एब्डोमिनस का, और लेटरल में क्या है, इंफीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियरली क्या है, इंग्विनल लिगामेंट। सो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ इट्स कमिंग एंड ऑफ अवर सेशन, और सेशन को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इमेज आप लोग देख लीजिए और फिर हम सेशन एंड कर देंगे जी। चूज द करेक्ट डायग्नोसिस रिगार्डिंग दिस इमेज, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, कॉफी से रिलेटेड कुछ सोचिए, गेस कीजिए। इट इज माय डियर फ्रेंड्स, इट दिस इमेज इज शोइंग यू समथिंग लाइक कॉफी बीन। ओके, कुछ ऐसे दिख रहा है कि कुछ मतलब कॉफी बीन अपीयरेंस कुछ दिख रही है आपको, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कॉफी बीन वाली। सो माय डियर फ्रेंड्स यू आर करेक्ट, इट इज अ कॉफी बीन अपीयरेंस, और कॉफी बीन अपीयरेंस दिखती किस में है, वल्वुलस के केस में, कौन सा वल्वुलस, सिग्मोइड वल्वुलस। सो कॉफी बीन अपीयरेंस आल्सो नोन एज किडनी बीन साइन और बेंट इनर ट्यूब साइन, इट इज अ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग ऑन एब्डोमिनल प्लान रेडियोग्राफ ऑफ सिग्मोइड वल्वुलस। ऑल्दो सम ऑथर्स हैव आल्सो यूज्ड द टर्म टू रेफर टू क्लोज लूप स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, सो कॉफी बीन अपीयरेंस कुछ ऑथर्स ने ऐसे भी यूज कर रखी है कि जो क्लोज्ड लूप स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होती है वहां पर भी क्या दिख जाता है हमें, कॉफी बीन अपीयरेंस। यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रही होगी माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है जी, कॉफी बीन अपीयरेंस किसमें दिख रही है, सिग्मोइड वल्वुलस में। माय डियर फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट होने का आ चुका है। आई होप दैट आप सबको मजा आया होगा, हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आप लोग एग्जाम दे दोगे, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और वो कैसे आएंगे, सेल्फ बिलीव से, सेल्फ प्रैक्टिस से, ठीक है, खुद के अंदर भरोसा रखिए, प्रैक्टिस करते चले जाइए, किसी इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मस्त रहिए, हंसते रहिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स टू एवरीवन, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।